बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जिबिट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वीन डायग्राम्स। ठीक है, वीन डायग्राम्स यूज़ करनी है। और हमने शो करना है ए यूनियन बी को और ए इंटरसेक्शन बी को। हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स गिवन हैं जिसमें से मैं एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, पार्ट नंबर 3। बाकी पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को और ए इंटरसेक्शन बी को डिस्कस किया, ठीक है, उसी तरह से वेन डायग्राम सिंपल हैं। लेकिन अब पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से मैं वो सॉल्व कर देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि पार्ट 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सेट हमें गिवन है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगुलर फिगर से। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाई जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद ए जो है वो कोई भी सेट हो सकता है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, इसलिए वो इसके अंदर लाई करेगा, तो ये ए सेट हो गया। अब उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, मतलब कि यू सेट में से ए को निकाल दो तो हमारे पास क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट सेट बनता है। ठीक है, मतलब कि येलो कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक कॉम्प्लीमेंट को, ये येलो कलर से जो शो किया जा रहा है ये रीजन बनता है एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। इसको ये थोड़ा सा बाहर भी निकल गया है इसलिए इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, ये रीजन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट जो येलो कलर में, तो मैं अलहदा से लिख भी देता हूँ, येलो कलर का जो रीजन है वो शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिसमें ए भी आना चाहिए और ए कॉम्प्लीमेंट भी आना चाहिए, मतलब कि ये सारा रीजन भी आ जाएगा ए वाला और ए कॉम्प्लीमेंट जो बाकी येलो वाला रीजन है वो भी आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसको अलग कलर से शेड कर देता हूँ, ये कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्रीन सा कलर बन रहा है, ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, अब ये देखें ये वाला जो शेड हो गया है ये सारा का सारा, इसको भी ग्रीन ही कर देते हैं ताकि सेम कलर हो जाए। ये जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो ये वाला रीजन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब बाकी तो सेम ही है तकरीबन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वीन डायग्राम। वीन डायग्राम से हमने शो करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। अच्छा, इसका पहला पार्ट जो है उसमें हमें कहा गया ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ए सेट एंड बी सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे होते हैं। ठीक है, उसकी पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से, कि सबसे पहले तो मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ए सेट लिखा और साथ में बी सेट किस तरह से आएगा उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, अब हमने शो क्या करना है, ए माइनस बी, मतलब ए में से हमने बी को निकाल देना है। तो ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो
ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, इसको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो जो शेड करूँगा मैं सिर्फ इसको करूँगा जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ये रीजन जो है वो शो कर रहा है किसको, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। इसको मैं कलर सेम दे देता हूँ ताकि इससे पता चल जाए। ग्रीन कलर जो है वो ए माइनस बी को शो कर रहा है। उसके बाद बी माइनस ए भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, बी माइनस ए को मैं अलग-अलग कलर से कर देता हूँ। तो बी में से ए को निकालना है, ए का कुछ ऐसा ये है जो बी में आ रहा है। ठीक है, उसको भी हम निकाल देते हैं। तो बाकी जो एरिया बचेगा बी के अंदर वो बन जाएगा बी माइनस ए, यानी कि वो एलिमेंट्स या वो रीजन जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, तो येलो कलर से जो रीजन शो किया जा रहा है वो है बी माइनस ए। और अगर इंटरसेक्शन भी साथ में मैं बता दूं, इंटरसेक्शन अगर देखना चाहें दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन ये आ रहा है, ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो मैं इसको अलग से बता देता हूँ। क्वेश्चन में तो ये हमसे नहीं पूछा गया लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला रीजन जो है पिंक कलर में जो शो किया जा रहा है वो है इंटरसेक्शन वाला रीजन। ठीक है, वहाँ पर रीजन्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब के दोनों में कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, सेम रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद अगर यूनियन की बात की जाए तो यूनियन में क्या आता है, यूनियन में तीनों जो है ये सारा का सारा ए भी आ जाएगा बी भी आ जाएगा, मतलब के तीनों कलर जो हैं वो शो करेंगे किसको, इंटरसेक्शन को भी यूनियन को, तीनों कलर शो करेंगे। मैं तीनों कलर साथ में ड्रॉ कर देता हूँ। और ग्रीन कलर हमने लिया था, ये भी आ जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये तीनों कलर्स किसको शो कर रहे थे, कर रहे हैं ए यूनियन बी को। ठीक है, सिर्फ ग्रीन वाला रीजन जो है वो शो कर रहा है ए माइनस बी को, क्योंकि ए में वो ऐसा रीजन जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ये वाला कुछ रीजन था, ये जो पिंक कलर का है जो ए में है और बी में भी है, इस वजह से वो उसको हमने निकाल दिया। बाकी रीजन जो ए में बचा वो ए माइनस बी को शो कर रहा है ग्रीन कलर। ठीक है, उसी तरह से बी माइनस ए हमने देखा येलो कलर में शो कर रहा है, और इंटरसेक्शन हमने देखा दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो इंटरसेक्शन आ गया जो पिंक कलर से शो किया जा रहा है। और बाकी जो है तीनों कलर्स मिला के अगर देखें ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए का रीजन भी आएगा बी का भी फुल रीजन आएगा, तो ए यूनियन बी वो बनता है। अच्छा, उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि साथ में दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें कहा क्या गया है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट आएगा, ये जिसको मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म से शो किया। उसके बाद हम बी को ड्रॉ कर लेते हैं, बी ये आ गया बी सेट। अब कहा क्या गया है ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब के ए बी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सेट। अब यहाँ पर हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए को देखना है, तो पहले ए माइनस बी को देखते हैं। ए माइनस बी, ए में कोई ऐसा रीजन है जो कि बी में ना हो, बी ये पूरा का पूरा रीजन है। ठीक है, उसके अंदर ए लाई कर रहा है, तो ए में कोई ऐसा रीजन है जो बी में ना हो, कोई ऐसा रीजन नहीं, क्योंकि ए जो है पूरा का पूरा बी के अंदर लाई कर रहा है। तो ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ए में जो बी में ना हो, इसलिए वो एम्प्टी सेट आएगा। फाइ ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, अब बी माइनस ए की बात करते हैं। बी माइनस ए जो है बी में वो रीजन जो ए में ना हो, तो मैं ग्रीन कलर से शो करूँगा, ये रीजन बनेगा। ठीक है, ए के अलावा बी का सारा रीजन आ जाएगा, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनता है बी माइनस ए, ये थोड़ा यहाँ से भी आता है, ये
ठीक है, यू को निकाल दिया जाए तो अच्छा ये बनता है बी माइनस ए। बी माइनस ए जो है उसको ग्रीन कलर से हमने शो किया है तो ये बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि वेन डायग्राम से हम किस तरह से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर, पार्ट नंबर थ्री। आप इससे खुद से सॉल्व करें, उसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि उसमें हमें कहा गया है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, मतलब कि बी लाई कर रहा होगा ए के अंदर। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, बाकी ए माइनस बी और बी माइनस ए आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमने देखना है कि ए कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। उसने कहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कब होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कब होगा। तो वेन डायग्राम से लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये ए है, ठीक है, उसके बाद मैं कहूँ कि ये बी है, ए और बी इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो कौन सा रीजन बनता है। ए का रीजन भी आ जाएगा सारा, बी का रीजन भी आ जाएगा सारा। ठीक है, तो क्या ये ए के इक्वल है, नहीं, इसमें तो बी भी आ रहा है। ठीक है, इसका रिजल्ट ए यूनियन बी दोनों सेट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिर ये गलत है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ए सेट, ये ए सेट है और इसके अंदर लाए कर रहा है बी सेट, बी सेट मैं इसको अंदर बना देता हूँ। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर ड्रॉ करना चाहें तो ए भी आ जाएगा, बी का सेट भी आ जाएगा। इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ सारे रीजन को। ठीक है, तो क्या ये ए ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी उसके अंदर लाई कर रहा है तो बी सेट भी खुद ब खुद कवर हो गया और ए का पूरा सेट आ गया। ठीक है, वो ए के इक्वल ही नहीं है, बिल्कुल है, तो यही वाला वो जो स्पेसिफिक रीजन बनता है, ठीक है, स्पेसिफिक केस बनता है जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आता है। तो ये कौन सा केस होता है जिसमें हम बी को ए के अंदर ड्रॉ करते हैं, बी जो है वो सबसेट होता है ए का। ठीक है, जब बी ए का सबसेट होता है उसका मतलब ये होता है कि बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, मतलब कि वो यही केस पूछना चाह रहा था कि कब ऐसा होगा जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होगा, तो ये वो केस है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर थ्री है। पार्ट नंबर थ्री में हमें कहा गया है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए कब होगा, कब हो सकता है। देखें, ये ए है और ये बी है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ए माइनस बी अगर हम फाइंड करते हैं, ये ए, मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, तो ए माइनस बी फाइंड करते हैं तो कौन सा रीजन आएगा, ये आएगा। तो क्या ये ए के इक्वल है, नहीं, क्योंकि इसमें ए का ये पार्ट हमने नहीं लिया, क्योंकि ये कॉमन आ रहा था बी के साथ, तो ये कन्फिग्रेशन नहीं हो सकती, ये केस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं, ये ए है और ये बी है, तो इसमें हम ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा, बी वाले रीजन को हम हाईलाइट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ ए वाले रीजन को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये बनता है, तो क्या ये ए के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ए में से ये वाला रीजन हमने हाईलाइट नहीं किया, तो ये केस भी नहीं है। एक और केस देख लेते हैं कि चलें बी को बाहर रखते हैं और ए उसके अंदर बना देते हैं, मतलब कि ये केस क्या होता है, ओवरलैपिंग का केस होता है, इसके साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूँ। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं और ये क्या होता है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए होता है। ठीक है, और ये केस कब होता है, ए सबसेट होता है बी का, तब ए जो है बी के अंदर आता है। इस केस में ए माइनस बी ड्रॉ करें तो एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, ए माइनस बी एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि ए में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि बी में ना हो, तो ये केस भी नहीं हो सकता। उसके अलावा दोनों डिसजॉइंट सेट्स अगर मैं बनाऊं,
ये ए है, ये बी सेट है। तो अब ए माइनस बी अगर फाइंड करें तो ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो कि बी में ना हो, सारे का सारा एलिमेंट, सारे का सारा सेट ऐसा है कि जो कि बी में नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ए सेट आ गया। मतलब कि ये वो केस है जो वो पूछना चाह रहा था, ठीक है, मतलब कि डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स ये केस है जिसमें ए माइनस बी इज इक्वल टू ए होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बाकी पार्ट्स इसके आप ख़ुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस देख लेते हैं, आप सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ आती जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फोर है लेट यू, हमें यू सेट दिया गया है, यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर 10 तक है, ठीक है, यू सेट, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए सेट भी हमें गिवन है, ए सेट में हमें इवन नंबर दिए हैं 2, 4 से लेकर 10 तक, और बी सेट जो है वो ऑड नंबर्स का है, नहीं बल्कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और उसके अलावा सी सेट जो है वो ऑड नंबर का है, ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे पास चार सेट्स गिवन हैं, ठीक है। तो हमें कहा गया है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमने बताना है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दें जी। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, क्या होता है, यू माइनस ए के इक्वल होता है, यू में से ए को निकाल दें, यू के ऐसे सेट्स जो ए में ना हो, लिख लेते हैं पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये बन गया यू माइनस ए, में लिखना चाह रहा हूँ माइनस ए सेट आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है यू में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं हैं, ठीक है, यू माइनस ए का मतलब यही होता है डिफरेंस। तो 1 देखें इसमें है, नहीं है, तो 1 लिख लेते हैं, 2 है बिल्कुल है इसलिए उसको नहीं लिखते, उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये हमने लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 4 इसमें यू में है और ए में भी है इसलिए उसको निकाल देते हैं, उसके बाद 5 जो है वो यू में है और ए में नहीं है, 5 भी लिख लेते हैं, उसके बाद 6 उसको निकाल देते हैं क्योंकि ए में भी मौजूद है, 7 आ जाएगा, इसी तरह से 9 आ जाएगा, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना था, ठीक है। इसी तरह से एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, किस किस का यूनियन है, एक ए कॉम्प्लीमेंट का और एक सी कॉम्प्लीमेंट का। तो पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट तो हम पिछले केस में फाइंड कर चुके हैं जो कि क्या आया था, वही हम लिख लेते हैं 1, 3, 5, 6, 7, 9, ये आया ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस सी के, यू में से उस सेट को निकाल दो तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यू सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है यू सेट, उसमें से हमने निकालना है किसको, सी को। तो सी क्या है, कौन सा सेट है सी, 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स का, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब कि नेचुरल नंबर्स में से इसको ऑड को निकाल दो तो इवन आता है, इवन नंबर्स आ जाएंगे 10 तक, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये बन गए हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया। अब हमने ऐसा करना है
एक तो इसको यूज़ करना है और एक इसको यूज़ करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, दोनों साइड्स में लिख रहा हूँ, 1, 3, 5, 6, 7, 9, ये ऑड नंबर का सेट्स हो गया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आया था, और उसका यूनियन लेना है हमने सी कॉम्प्लीमेंट के साथ जो के इवन नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स प्लस इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। मतलब कि ये यू के इक्वल आ गया, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है हमारा, वही सेट है, तो उसको मैं यू भी लिख सकता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बाकी पार्ट्स भी इसके आप सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।